हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो आप एक बार दोबारा बताएंगे। हमने जनरल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी, हाँ जी बताएं, आर्यन आप बताएं, पहला पॉइंट। ठीक है, मयंक आप बताएंगे सेकंड पॉइंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू, हाँ जी, इसके अलावा ये एप्लीकेबल होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। हाँ जी आदित्य, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? खड़ा हो जाओ पीछे, अरे कोई बात नहीं, ये बेसिक सी बात है तो मेरा ही नहीं करना, बस खड़ा हो जाओ चल। अरे ये कोई लॉजिक ही नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स कम से कम 50 साल बता लिया, खड़ा हो फिर, मैं क्या कह रहा हूँ तुरंत। हाँ जी आप बताएं बेटा, आप बताएं पूरी बात बताएं। देखिए मैं एक सिंपल सी लाइन याद करवा रहा हूं आपको, क्या जिस फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो वो आपकी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। एग्जांपल क्या क्या है? ग्रेविटेशनल, तीन तीन आपको याद करने, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्प्रिंग फोर्स, तीन आपके फोर्स है। ठीक है, हाँ जी इसकी डेफिनेशन एक और है, डेल्टा यू, डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हम इस एक्सप्रेशन से इस पे कैसे आए? ठीक है, दोनों का बाहर जाना है, तो इसको समस्या है तेरे को, यहाँ जाने में तेरे को उसका तो नहीं, यहाँ जाते नहीं। हाँ जी आप ये बताएं, तनिष बताएगा नहीं तो तेरा नंबर वहीं पहुंच जाएगा। ये एफ सी इक्वल टू माइनस, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है क्या, एफ सी इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल, ये कैसे आया है? हाँ जी लेट कैसे हैं? हाँ जी बताएं, बैठ जाओ। हाँ जी किससे डिवाइड किया है? पढ़े थे कर जाके यार, ये बहुत बेसिक चीज है। जब भी आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव कराते हैं, स्लोली मूव कराने के कारण जो आपने फोर्स लगाया है और जो कंजर्वेटिव फोर्स लगा रही है दोनों बराबर होते हैं। जैसे तीर कमान में हमने क्या किया, जब आप इसको पीछे स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्लोली मूव कर रहे हैं, स्लोली मूव करने का मतलब है कि इट इज ऑलमोस्ट एट रेस्ट। अगर रेस्ट पे है तो जो आप फोर्स लगाएंगे एफ एक्सटर्नल और जो ये धागा फोर्स लगाएगा एफ सी, वो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर रहेंगे, डायरेक्शन में उल्टे रहेंगे, इसलिए माइनस साइन आपका आया है। ठीक है, यहीं से ये एक्सप्रेशन बना है, इसी एक्सप्रेशन को आप लिखते हैं माइनस एफ सी डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा यू। यहां से एक फॉर्मूला बनता है एफ सी इज माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स, या फिर आप कहें एफ सी इज माइनस डी यू बाय डी एक्स। ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक पॉइंट और मैंने बताया था आपको,
कि पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। ध्यान है किसी को बताई थी बात? नहीं तो लिखें आप क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस ओनली ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हैव सम सिग्निफिकेंस, हैव सम सिग्निफिकेंस, हैव सम सिग्निफिकेंस फुल स्टॉप। वी कैन कंसीडर, वी कैन कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो एट सम रेफरेंस पॉइंट, एट सम रेफरेंस पॉइंट। ये बात समझ में आई क्या? इसका मतलब है किसी एक लोकेशन पे आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं, उसके हिसाब से फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी बाकी पॉइंट्स पे तय होगी। एब्सोल्यूट उसकी वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। यहां तक करने के बाद हम आते हैं जो हमें मेन टॉपिक करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका वर्क पावर एनर्जी में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये फोर्थ पॉइंट आपका ये है, ये फॉर्मूला आपका फोर्थ पॉइंट है। बताएं श्लोक। हाँ चले आगे। श्लोक अब्सेंट थे एक आध दिन बीच में, क्या बात हो गई थी? ग्रेविटेशनल अच्छा एक एक बात और बताएं आप लास्ट स्लाइड में। जब मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट मूव करता हूं, सुनेंगे ध्यान से, जब मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जाता हूं तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है क्या? ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जब भी आप मूव करेंगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब तीर कमान में आप तीर का फोर्स आगे, कमान का उसका फोर्स आगे दागेगा और आप पीछे जा रहे हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब आप बताएं जैसे अर्थ है, अर्थ से किसी चीज को दूर लेके जाएंगे तो क्या आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं क्या? ठीक है, तो आप जब अर्थ से किसी चीज को ऊपर दूर लेके जाएंगे तो आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं, उसके जब साथ में लेके आएंगे तो घटा रहे हैं। ऐसे ही धागे को आपने एक बार खींच लिया और खींचने के बाद आप फिर ढीला कर रहे हैं उसको, तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटा रहे हैं, स्टोर्ड एनर्जी घटा रहे हैं। ये पॉइंट याद रखना। लिखवाऊं यहाँ पे? लिखवा देता। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। लेट्स से इसको अर्थ की बजाय आप एक सिंपल पॉइंट मास ही मान लो। ये आपका एक पॉइंट मास है एम, यहां से एक पॉइंट है आपका, पॉइंट मास एम है इन्फिनिटी पे, एक पॉइंट मास कैपिटल एम यहां पे है, एक इन्फिनिटी पे है। उस पॉइंट को आपको यहां तक लेके आना है, इससे आर डिस्टेंस तक, आर डिस्टेंस तक। तो जितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ेगा क्या उतनी ही इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? रिपीट करता हूं, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप ये बताएं, लेट से मैंने उसको वहां से मैं यहां तक ले आया, यहां तक ले आया, इसके बाद फर्दर डी आर डिस्टेंस पे लेके आऊंगा तो वर्क डन मुझे निकालना है। कुल मिला के देखो, एक बात सुनो, मुझे निकालना है वर्क डन। वर्क डन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या जब मैं उसको वहां से वहां यहां तक लेके आऊंगा तो
और वो भी स्लोली, तो क्या जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आराम से करते हैं इसको बिल्कुल। आप ये बताएं, जब इसको आप स्लोली आगे मूव करेंगे तो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पहले तो ये बताएं। क्यों? एक्चुअली आप क्या है, इसको यहां से छोड़ दोगे ना बिना फोर्स लगाए भी वो उसकी तरफ भागेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। आप इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्सटर्नल पीछे लगेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट आगे होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है। अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? दोबारा रिपीट करता हूं, यह आपको समझ में आएगा कि वर्क डन नेगेटिव है बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। कैसे? हाँ वो तो अलग अलग पॉइंट हुआ, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आपको पता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, ये बात भी पता है आपको। और अभी आपने देख लिया कि वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इज नेगेटिव, तो इसका मतलब डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा। डेल्टा यू नेगेटिव का मतलब है फाइनल कम, इनिशियल ज्यादा, तो फाइनली घट गई। तो जब भी आपका वर्क डन नेगेटिव रहेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव रहेगा, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपने कहा, मयंक ने जैसे बताया कि आप कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, अर्थ का है और वो अंदर की तरफ लग रहा है। जब भी आपका ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव फोर्स के अलोंग जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मुझे इसको यहां से यहां तक लेके जाना है और वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और मुझे इसको स्लोली लेके जाना है, तो एफ एक्सटर्नल यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा ये मुझे पता करना है। वेरिएबल इसलिए होगा क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो डिपेंड करेगा आर पे, जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, तो मुझे भी उसको खींच के ज्यादा फोर्स रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? मुझे यहां से यहां तक लेके आना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, और सिंस कंजर्वेटिव फोर्स वेरिएबल है तो मेरा फोर्स भी वेरिएबल होगा, बिकॉज मुझे बैलेंस करना है जस्ट, तो मेरा फोर्स वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन निकालते हैं तो हम सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं करते हैं, क्या करते हैं उस जर्नी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और छोटे टुकड़ों के वर्क को ऐड करके टोटल वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप यहां पे हैं, ये पॉइंट नंबर वन है, ये पॉइंट नंबर टू है। पॉइंट नंबर वन का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो आर वन मान लेते हैं। कहने का मतलब ये डिस्टेंस आपका आर वन है, ये डिस्टेंस आपका आर टू है। जो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा ये एफ इक्वल टू जी एम एम बाय आर टू स्क्वायर होएगा, एफ वन बोल दिया इसको। यहां जो फोर्स लग रहा होगा एफ टू, वो जी एम एम बाय आर वन स्क्वायर होगा। तो क्या ये वाला पॉइंट ये आर वन है आपका और ये आपका आर टू है, क्या आपकी पोजीशन पे जो ये वाला मास फोर्स लगा रहा है डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यहां पे आर वन बड़ा है तो फोर्स छोटा होगा, वो उसको कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो मेरा फोर्स भी कम रहेगा क्योंकि मुझे तो इस फोर्स को जस्ट बैलेंस करना है। एफ एक्सटर्नल जो है आपका इस केस में एफ एक्सटर्नल वन और एफ एक्सटर्नल टू में आपका डिफरेंस आएगा। एफ कंजर्वेटिव है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इसलिए एफ एक्सटर्नल लगेगा वो भी कॉन्स्टेंट नहीं लगेगा। ये पॉइंट मैं कन्वे कर रहा हूं, ठीक। अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने वर्क डन को निकालने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे। लेट्स से
मैं इसको यहां से यहां तक ले आया, और यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू, वो बताएं कितना होगा, डी डब्ल्यू बाय एफ एक्सटर्नल। यहां से यहां तक में ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो आप फोर्स को इतने छोटे डिस्टेंस में कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। दैट फोर्स इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। आपने कहा था कि जो वर्क डन होगा एफ एक्सटर्नल के द्वारा वो नेगेटिव होगा, क्या ये टर्म नेगेटिव आ रहा है क्या? देख के बताएं, क्या ये टर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है? देखो, हमें ये तो पता है कि जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आऊंगा तो मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्या इस एक्सप्रेशन को देख के आपको ये लग रहा है क्या ये टर्म नेगेटिव है? नहीं लग रहा, क्योंकि जी कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव रहेगा, एम पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव है, आर स्क्वायर पॉजिटिव है, बस डाउट है तो इस डी आर पे डाउट है। आप देखें यहां, फॉर एग्जाम्पल ये वाला डिस्टेंस 4 मीटर है, फॉर एग्जाम्पल और जिस पॉइंट पे वो आ गया है ये है 3.9 मीटर, तो जो डी आर होगा क्या वो -0.1 होगा? जब आप यहां से यहां तक लेके आएंगे, अगर ये आपने ओरिजिन माना है, ये ओरिजिन है, तो यहां से यहां तक डी आर आपका नेगेटिव रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हमें ये पता था कि ये डी डब्ल्यू नेगेटिव है, ये डी डब्ल्यू नेगेटिव है, इस बात का पता था, और वो रिफ्लेक्ट होता है डी आर नेगेटिव होने में, बाकी सब पॉजिटिव है, तो मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये इतने से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन आया है। अगर मैं इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर तक लेके आऊं तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन इंटीग्रेशन जी एम एम बाई आर स्क्वायर डी आर इंफिनिटी से कोई एक गिवन पॉइंट आर तक हमें आना है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट करके बताएं क्या आएगा। ये टर्म कांस्टेंट है, जी एम एम बाहर आ जाएंगे, आर वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा जी एम आर की पावर -2 डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल आर। ये बताएं कैसे होगा इंटीग्रेशन, सब लोग बताएंगे ये तो। हाँ जी, एक एक ऐड हो जाएगा, +1 अपॉन जो नीचे ऐड होके आया, तो ये आपका आ जाएगा जी एम एम -1 बाय आर इंफिनिटी टू आर। बताएं ठीक लिखा है क्या, स्मॉल आर। वैल्यूज पुट करें और बताएं क्या आंसर आएगा। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, -gmm/r। कैसे आया, पहले 1/r पुट किया, एक माइनस साइन लगाया, फिर 1/r की जगह इन्फिनिटी पुट किया, 1/∞ वो जीरो हो जाएगा। पूरा लिखूं क्या, तो 1/∞ आपका जीरो हो जाएगा, यहां से टर्म बन जाएगा -gmm/r। ठीक है, ये हुआ आपका क्या, वहां से इस डिस्टेंस r तक लाने का वर्क डन। और आपने वही बोल रखा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैंने अभी बताया था कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो मान सकता हूं, बताया था अभी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी है, जो रेफरेंस पॉइंट है वो r इक्वल टू इंफिनिटी है, उस पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हमें माननी है। वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है
तो जितना वर्क डन किया है वो सारे का सारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। दोबारा रिपीट करता हूं, वर्क डन निकाल लिया आपने, ये वर्क डन निकाला था, ये आ गया। अभी आपने बोल रखा है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल। डेल्टा यू का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, वो आपने निकाल लिया है, माइनस जी एम एम बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी आपने क्या मानी है, जीरो मानी है रेफरेंस पॉइंट पे, वहां जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस मास इज गिवन बाय सिंपली यू आ जाएगा, यू एट आर इज माइनस जी एम एम बाय आर। ये है वो इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। दोबारा एक बार रिपीट करूंगा, हाँ बताऊंगा दोबारा, लिख लें आप पहले एक बार। हाँ जी, हाँ हाँ वो डिफाइन ऐसे होता है, लिखाऊं भी अभी। हाँ भाई तनिष बता, मेरे को बता क्या पूछना है, बस मेरे से पूछना जो पूछना है। हम वहां से स्मॉल मास को यहां से उठा के इस पॉइंट पे लाए हैं, इस पॉइंट में इस पॉइंट से अंतर नहीं है, बहुत माइन्यूट है ना, आप एक जनरल डिस्टेंस आर पे लेके। हाँ तनिष तेरा नंबर अगला, तेरे को बता दी मैंने, तुमने बता दी बस तेरे को, है ना। नहीं इन दोनों का मैं सारी बात बताऊंगा, आप एक बार पहले जो लिखा है वो लिख लें। पूछना स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस सारा बताऊंगा, एक बार नोट डाउन कर लो, पहले बताऊंगा सर। हाँ जी लिख लिया, देखो बच्चों एक बार, पहले आप एक डेफिनेशन लिख लें इसकी, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखें पहले। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास, सॉरी इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट मास, इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट मास, ब्रैकेट में स्मॉल एम कर लेना। दोबारा बोलूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट मास एम फ्रॉम इंफिनिटी to a given point
फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, ब्रैकेट में स्लोली, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, ब्रैकेट में स्लोली, इन प्रेजेंस ऑफ गिवन कॉन्फिगरेशन ऑफ मासेस, गिवन कॉन्फिगरेशन ऑफ मासेस, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कैसे डिफाइन करते हैं, जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक लाने के लिए, और वो भी स्लोली, इन प्रेजेंस ऑफ गिवन कॉन्फिगरेशन ऑफ मासेस। इस लास्ट लाइन का मतलब है, जैसे यहाँ पे एक ही मास गिवन था, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि लेट से M1, M2, M3, इन तीनों की प्रेजेंस में आपको एक चौथा मास लेके आना हो, तो उस केस में इन तीनों के कारण नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे और फिर आप फाइनली उसको निकालेंगे। तो लास्ट पॉइंट का मतलब है कि कितने आपको मासेस दे रखे हैं, उन सब के प्रेजेंस में आपको लिखना है कॉन्फिगरेशन ऑफ मासेस। ठीक, सीक्वेंस देख लें दोबारा, क्या है, हमें निकालना था वर्क डन एम मास को वहां से यहां तक लाने के लिए, स्लोली लेके आना है, तो जितना फोर्स ग्रेविटेशन का अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उतना ही मैं पीछे लगाऊंगा एफ एक्सटर्नल। ये पहले से पता है कि वर्क डन नेगेटिव होने वाला है, क्यों, क्योंकि मेरा फोर्स पीछे है, एफ एक्सटर्नल पीछे है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। अब एफ सी जो है वो आपका वेरिएबल है, कंजर्वेटिव फोर्स इज वेरिएबल क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स भी वेरिएबल रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल रहेगा तो उसका वर्क डन निकालने के लिए हम सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहां तक ले आए थे मान लो, फर्दर dr डिस्टेंस जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, dw निकाल लिया। dw इज सिंपली कहां गया, dw इज सिंपली दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट मुझे ये पता था कि ये वर्क डन नेगेटिव होना है, तो यहां पे कोई साइन का कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्या, तो मैंने चेक किया कि ये सारे पॉजिटिव हैं और dr अपने आप में नेगेटिव है, तो सारा टर्म नेगेटिव है ही, तो एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो dw आपका ये आ गया। अब ऐसे ऐसे dr बहुत सारे रहे होंगे वहां से यहां तक, तो सबको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो आर इसी को इंटीग्रेट किया है, कहां से, इंफिनिटी से आर तक, ये कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, ये बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, आर की पावर माइनस टू डी आर, इसमें एक पावर जुड़ जाएगी माइनस टू प्लस वन, तो आर की पावर माइनस वन हो जाएगी और नीचे माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस वन बाय आर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाय आर होता है, ये सबको क्लियर है क्या, या करके दिखाऊं, हाँ जी करके दिखाते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए भैया, आर की पावर माइनस टू है, उसके अंदर एक पावर जोड़ेंगे माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, माइनस दो में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक, नीचे माइनस एक, क्या इसको माइनस एक बटा आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा ही लिखा है बिल्कुल हूबहू। फिर लिमिट्स पुट करेंगे इन्फिनिटी से आर तक, यहां से ये कैसे आया ये भी बताना है क्या, राशि आ गया समझ में, बताएं बेटा कैसे किया है, नहीं लिमिट्स कैसे पुट करी ये नहीं बताया, ये देख लें श्लोक आपको पता है लिमिट्स कैसे पुट करिए, हाँ तो ये लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, लिमिट्स तो मुझे ये समझ में आ गया, इनको पुट कैसे करेंगे, उस पुट करने के बाद ये कैसे आ गया, इतना जानना है मुझे, हाँ जी किसको आ गया है समझ में, आप बताएं बेटा, देखो ये माइनस साइन है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये माइनस साइन है बाहर आ जाएगा, माइनस जी एम एम, ये जो R है यहाँ ब्रैकेट में जहां आना है वहां लिख रहा हूं मैं, इनटू है ये बेसिकली, पहले जो ये वाला पार्ट है ये रखा जाता है माइनस वन बाय आर, एक माइनस साइन लगेगा, साथ में आप फिर इन्फिनिटी पुट करेंगे
माइनस वन बाय इंफिनिटी, माइनस वन बाय इंफिनिटी, सारे साइन ठीक पुट किए क्या? हाँ देखो आप, देखो क्या करते हैं, अच्छा ये माइनस बाहर निकाल दिया था ना, ठीक है ठीक है, फिर ये ऐसे आएगा, माइनस बाहर निकाल दिया तो ये अब वन बाय इन्फिनिटी कितना होता है? हाँ जी बताएं कैसे होता है वन बाय इन्फिनिटी जीरो? नहीं बताया, कौन बताएगा कि वन बाय इन्फिनिटी जीरो होता है? मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे, हाँ हाँ जैसे अगर एक बटा दो करेंगे, फिर एक बटा चार कर देंगे, एक बटा सोलह कर देंगे, अगर नीचे वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो पूरा नंबर बहुत छोटा हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नंबर है तो वो जीरो की तरफ बढ़ जाएगा, ये जीरो हो गया, ये कितना आ गया माइनस जी एम एम इंटू वन बाय आर माइनस जी एम एम बाय आर, क्लियर है? ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, रेफरेंस पॉइंट लिया है हमने इन्फिनिटी पे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है, तो जो वर्क डन निकाला है वो डेल्टा यू के बराबर रहेगा, डेल्टा यू इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, आर पे और इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे जीरो मान रखी है, तो एट पॉइंट आर पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम पर आर। सवाल करेंगे एक, ये चार मासेस हैं m1 m2 m3 m4 और चारों एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हैं, साइड का डिस्टेंस है a, क्वेश्चन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, अगर आप हेडिंग डालना चाहें तो आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत ध्यान से देखेंगे, इससे पहले हमने क्या किया था, यहां पे एक m मास रखा था, एक छोटे मास m को इंफिनिटी से मैं यहां तक उठा के लाया था, इनके बीच का डिस्टेंस r था, ये मास m था, इस मास m को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा था वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई थी, और वो माइनस जी एम एम बाय आर हो गई थी। अब क्या किया है, आपने इन चारों मासेस को इन कॉर्नर्स पे अरेंज किया है, क्या आप इन चारों मासेस को छोड़ सकते हैं? क्या छोड़ नहीं सकते हैं? छोड़ने का मतलब है क्या, छोड़ने पे ये यहीं पे रहेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना, सबका अट्रैक्शन, सब अट्रैक्शन मतलब पास में आएंगे, इसका मतलब आपने इनको होल्ड कर रखा है ऐसे, पहले सारे पार्टिकल्स मान लीजिए इन्फिनिटी पे थे, सारे अलग अलग कॉर्नर्स पे, आप एक एक करके उनको लेके आ रहे हैं, तो एक एक करके ऐसे यहाँ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी होगी। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, सिंगल पार्टिकल को लेके आए, जितना वर्क डन करना पड़ा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे चारों पार्टिकल्स मान लो कि चार कॉर्नर्स हैं इन्फिनिटी के, ऐसे अलग अलग हैं सारे, आप एक एक को लेके आएंगे, असेंबल करेंगे, पहला एक लेके आए, फिर दूसरा लेके आए, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो चारों को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में कोई पार्टिकल यहाँ पे नहीं था, तो मैं एम वन पार्टिकल को लेके आया और यहाँ पे सवाल के फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सवाल के फॉर्म में क्या करेंगे, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और साथ में डायग्राम बना लेंगे, ये नहीं इसका पार्ट, ये तो मैंने ऐसे लिखा है, क्या पहले पार्टिकल को जब कुछ भी नहीं था स्पेस में, पहला पार्टिकल लेके आया तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या? क्यों? देखो आप जब यहाँ पे ये m मास प्रेजेंट था
वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था और उसके अट्रैक्शन के अगेंस्ट मुझे उसको पुल करना पड़ रहा था, तो फोर्स लग रहा था, तो वर्क डन करना पड़ा। यहाँ पे कोई दूसरा मास है ही नहीं, तो किसी के अगेंस्ट में वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। पहला पार्टिकल जब लेके आओगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? पहला पार्टिकल आपका आ गया। अब इस पहले पार्टिकल की प्रेजेंस में आप दूसरा पार्टिकल लेके आएंगे एम टू, तो आप बताएं ए डिस्टेंस पे लेके आना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग एम टू फ्रॉम इन्फिनिटी इन प्रेजेंस ऑफ एम वन। जी एम वन एम टू बाय आर, ठीक है। सबसे पहला आपका हो गया माइनस जी एम वन एम टू बाय ए, ठीक है। अब दो पार्टिकल आ गए हैं, दो पार्टिकल आ गए हैं, तीसरा पार्टिकल यहां लेके आना है आपको। जब तीसरा पार्टिकल लेके आएंगे तो क्या इसका अट्रैक्शन भी फील करेगा, इसका भी करेगा, दोनों के अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब इसको लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, ये इन दोनों के इन्फ्लुएंस में आएगा, ठीक है। पहले वाला इसके इन्फ्लुएंस में आया था, ये टर्म आपके पहले वाले के कारण है। अब बताएं जब तीसरे को लेके आए हैं पहले और दूसरे की प्रेजेंस में, तब आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो इसका डिस्टेंस कितना है ए, इसका ए बाय रूट टू, रूट टू है, ये रूट टू ए है, ये आपका ए है, तो यहां पे दो टर्म आएंगी आपकी माइनस जी एम वन एम थ्री बाय रूट थ्री ए माइनस जी एम टू अच्छा ये आपका ये रूट टू ए आएगा। ये वाले दोनों टर्म किसके लिए आए, जब आप M3 को लेके आए इन प्रेजेंस ऑफ M2। अब आप लेके आए थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल को, M4 को यहां लेके आएंगे तो आपको इन तीनों का अट्रैक्शन को काउंटर करना पड़ेगा। बताएं क्या टर्म्स हो रहेंगी, माइनस जी एम वन एम फोर बाय ए। अगला आप बताएंगे अगला टर्म, माइनस जी एम टू एम फोर बाय हाँ जी, एक और टर्म आप बताएंगे। इतना सुंदर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, आप मना कर रहे हैं। माइनस जी एम थ्री इतना सब सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे आप, सारे टर्म्स को ऐड करने पे आपका जो वर्क डन आ जाएगा इन मासेस को ऐसे अरेंज करने में वो आ जाएगा, और जो वर्क डन करना पड़ा वही आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। क्या कर दें, ऐड कर दें आप, अबे नलायकों ऐड होंगे ही ना, क्योंकि सब सारे टर्म्स ऊपर वाले अलग अलग हैं, है ना। अगर मासेस अलग होते, सेम होते, तो सब जगह एम स्क्वायर बनता, वो कॉमन आता, तो कुछ टर्म्स जुड़ जाते, तो यही छोड़ देंगे, यही छोड़ देंगे। हाँ जी, नहीं हुआ अभी, नहीं 10 मिनट है, हाँ जा रहे हैं, पर कोई तो 11th में इंटरेस्टेड लगा नहीं मुझे।
हाँ तुझे छोड़ के ठीक, आपकी फीस आ जाएगी तब इंटरेस्ट का पता लगे। हाँ ड्रॉपर बैच में जा रहे हैं कुछ, 15-20 बच्चे तो ही जाएंगे, चल रहा है। सेम सवाल सॉल्व करेंगे आप फॉर अ क्यूब, ये स्क्वायर था ना, जैसे आपने स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार मासेस को अरेंज किया है, ऐसे ही क्यूब के आठ कॉर्नर्स पे M1, M2, ऐसे M8 तक अरेंज करना है। कम ही करें आप, कम ही करके दिखाते हैं, फटाफट करें, 10 मिनट टप जाएंगे आपके। हाँ जी, वहां पे सारे मास सेम ले लो, सारे मास सेम ले लो, इंटू 8 आएगा सर। करें ट्राई, चाहो सब लोग करेंगे। सब आ जाएगा, कम करें, कम करें, इसका निकालें, इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको, करें। ना ये करें, सबका एम है और सबकी साइड ए है, करें ट्राई। बहुत सिंपल सवाल है, देखिए क्या करेंगे, हिंट आपको दे रहा हूं। पहले आप इस सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो बाकी सब के रिस्पेक्ट में। आपको टोटल नंबर ऑफ पेयर जितने पॉसिबल है ना उन मासेस की, वो सारे निकालने होते हैं। तो पहले इसके कितने पेयर बनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बनेंगे, ऐसे ही बाकी सबके बनेंगे। तो यहां पे आपको ये डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये की रहेगी, इसकी रहेगी, इसकी रहेगी, इसकी रहेगी। तो येलो बनाया, ये दोनों सेम डिस्टेंस रहेंगे, सिमेट्री है, ये आपके ए सेम रहेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, घर से करके आना है, मैं चेक करूंगा आते ही, ठीक है, थैंक यू।